कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको, चुगली करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले झंडा उठा के चुनाव की बातें करते थे, फिर सट्टा लगाने के लिए आईपीएल की बातें, और अब इस कोरोना वायरस की। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना है। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें, क्या होगा। अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है। राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, सिगरेट खत्म हो गई है बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं, कौन समझा उनकी बात को। सब साले अनपढ़ जिंदा लाशें हैं, किसे जगाएंगे वो। मैं जाग गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये पिस्सू जैसा वायरस COVID-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे एक महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो ये कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाइनबाग, मैं कश्मीरी, एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ लापरवाह लोगों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या हा? लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना। घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो, मैं तो अपने परिवार साथ अंदर रहूंगा।